दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू इंडियन सोल्जर वन। मेरा नाम है वासव और गाइस, कल मैंने कम्युनिटी सेक्शन में आप लोगों से फोन करवाया था कि क्या इंटरनेट पे आपके साथ कभी कोई अब्यूज हुआ है, किसी ने कोई ऑफेंसिव चीज आपको बोली है। तो यहाँ पे 71% लोगों ने बोला है कि नहीं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे 22% लोगों ने हाँ भी बोला है। तो गाइस, 22% मैं समझता हूँ कि कोई छोटा नंबर नहीं होता है ऐसी चीज़ों के लिए। और कभी भी आपको कोई ऑफेंसिव चीज़ बोलता है जिससे आपको हर्ट हो या आपकी फीलिंग्स को हर्ट हो, या फिर आपके कोई कह सकते हैं रिलीजन के बारे में कुछ बोले या कोई भी कुछ बोले, इस तरह का आप रिपोर्ट कर सकते हैं। YouTube पे भी, Facebook पे भी, इवन WhatsApp पे भी, हर जगह रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है। तो गाइस, इसी के साथ शुरू करते हैं गेमिंग न्यूज का एपिसोड नंबर 33। लेट्स गो। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले न्यूज आ रही है NVIDIA के बारे में और लास्ट दो गेमिंग न्यूज के एपिसोड से मैं आपको बता रहा हूँ कि NVIDIA का 1180 GTX मॉडल जो है वो रिलीज हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। रिलीज नहीं तो कम से कम रिव्यू तो हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे नई रिपोर्ट सामने आई है NVIDIA की तरफ से। NVIDIA के पास GTX 1180 के 1 मिलियन पीसेस यानी कि 10 लाख पीसेस उस ग्राफिक कार्ड के तैयार पड़े हैं, फैक्ट्रीज में सील पैक पड़े हैं, लेकिन अभी तक NVIDIA ने उसको लॉन्च इसलिए नहीं करा बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसी। गाइस, आप लोगों को पता हो या ना पता हो, लेकिन पिछले एक साल के अंदर अंदर क्रिप्टो करेंसी की वजह से जितने ग्राफिक कार्ड्स बिके हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, उतने गेमिंग की वजह से भी कभी नहीं बिके। मैं एक साल की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात नहीं कर रहा। और यहाँ पे NVIDIA ने बोला है कि इसी चक्कर में हमने जो 1080 है और 1070 ग्राफिक कार्ड्स हैं उनकी प्रोडक्शन काफ़ी तेज कर दी थी और हमारे पास काफ़ी सारे यूनिट्स अभी बचे हुए हैं, तो जैसे जैसे हमारे जो सप्लाई है वो कम होती जाएगी वैसे ही हम नेक्स्ट मंथ GTX 1180 को भी रिवील कर देंगे। तो यहाँ पे ये एक अच्छी बात है। अगली न्यूज आ रही है गाइस, माइक्रोसॉफ्ट Xbox One यूजर्स के लिए। अगर आपके पास Xbox One है तो एक नया अपडेट आ चुका है, कर लीजिए जल्दी से डाउनलोड। और ये अपडेट काफी खास है, ये फीचर जो है PlayStation 4 में एग्जिस्ट करता है पहले से, अब यहाँ पे Xbox One यूजर्स के लिए भी आ चुका है। फीचर ये है गाइस कि आप अगर कोई ऑनलाइन डिजिटल गेम डाउनलोड करते हो Xbox One पे, तो आप उसको डाउनलोड करते हुए भी खेल सकते हो। और यहाँ पे ये काम ऐसे करता है कि जो भी फाइल्स रिकॉग्नाइज करता है सिस्टम के, ये फाइल गेम को स्टार्ट करने के लिए और करीब करीब आधे घंटे की गेम को खेलने के लिए चाहिए, उन फाइल्स को वो पहले डाउनलोड कर लेता है और बाकी की जो रेस्ट ऑफ द फाइल्स हैं वो पीछे पीछे बैकग्राउंड में डाउनलोड होती रहती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास एक्सबॉक्स वन है तो आप अगर डिजिटल गेम्स परचेज करते हो या फिर आपके पास गोल्ड मेंबरशिप है, तो आप अगर डिजिटल गेम किसी भी रूप में, चाहे फ्री गेम हो चाहे कोई भी हो, डाउनलोड करते हो, तो अब आप उसको डाउनलोड करने के साथ साथ ही खेल भी सकते हो। तो एंजॉय द गेमिंग। दोस्तों, अगली न्यूज आ रही है बायोवेयर की तरफ से और एंथम का नया गेम प्ले सामने आ चुका है। गाइस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखना जरूर। इसमें दिखाया गया है जाइगेंटिक बॉस बैटल, गाइस कोऑप में दिखाया गया है और ये प्लेयर वर्सेस एनिमी सेटिंग है। प्लेयर वर्सेस प्लेयर तो एंथम में पहले ही क्लियर कर दिया है बायोवेयर ने कि एट द लॉन्च नहीं होगा, तो आपको कोऑप में पूरा कैंपेन जो है वो खेलना पड़ेगा। और यहाँ पे जो ये जायंटिक बॉस बैटल है गाइस, ये बहुत ही ऑसम है, जल्दी से चेक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगली न्यूज आ रही है एक इंडी गेम की तरफ से जिसका नाम है हॉलो नाइट, और पिछले एक साल में इस गेम ने 1 मिलियन पीसी की कॉपी सेल कर दी है। अगर हम इंडी गेम इंडस्ट्री की बात करें गाइस, इंडी गेम्स होती हैं उन स्टूडियोज की गेम्स जो अभी बहुत छोटे हैं या फिर नए नए मार्केट में आए हैं, नई नई गेम डेवलप करनी शुरू करी हैं, तो इस तरह की जो गेम्स होती हैं उनको इंडी गेम्स कहा जाता है। जैसे कि टेलटेल गेम्स जो है अब एक मेजर डेवलपर बन गया है, लेकिन जब वॉकिंग डेड पहला सीजन आया था वॉकिंग डेड का, तो काफ़ी उसको इंडी गेम्स में रखा गया था, इंडी गेम्स कैटेगरी में रखा गया था और काफ़ी उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो इसी तरह से जो हॉलो नाइट गेम है उसको भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो इंडी गेम इंडस्ट्री जितनी डेवलप होगी उतना ही अच्छा है। दोस्तों, अगली न्यूज आ रही है सकर पंच की तरफ से। सकर पंच एक गेमिंग स्टूडियो है जो बना रहा है घोस्ट ऑफ ट्यूशीमा PS4 एक्सक्लूसिव गेम, और यहाँ पे जो घोस्ट ऑफ ट्यूशीमा का गेम प्ले ट्रेलर आपने नहीं देखा तो आपको लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप ट्रेलर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो गेम है वो सेट है एंशियंट जापान में,
तो जो पुरानी सेटिंग थी जापान की, पुराने जो गांव थे, पुराने जो विलेजेस थे, उस तरह की सेटिंग में पूरी गेम को बनाया गया है। और यहाँ पे सकर पंच ने क्लियर कर दिया है, क्योंकि कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि बिल्कुल एक्यूरेट एंशियंट जापान की हिस्ट्री हमें देखने को मिलेगी इस गेम में, लेकिन यहाँ पे सकर पंच ने क्लियर कर दिया है कि जो स्टोरी होगी गेम की उसके हिसाब से हिस्ट्री को मॉडिफाई भी किया गया है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें देखनी है तो आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, गेम में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें दिखाई जाए। दोस्तों अगली न्यूज़ आ रही है फोर्टनाइट की तरफ से। फोर्टनाइट का जो प्लेग्राउंड मोड आप लोग अभी खेलते हैं, जिसमें आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, चार या पांच फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं और जितना मर्जी चाहे बिल्डिंग मटीरियल इकट्ठा कर सकते हैं और एक दूसरे को एक घंटे तक या डेढ़ घंटे तक मार धार सकते हैं, यहाँ पे एपिक गेम्स ने क्लियर कर दिया है कि ये मोड सिर्फ 12 जुलाई तक अवेलेबल है। तो जल्दी से जितना खेल सकते हैं खेल लो, लेकिन यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया है कि आने वाले टाइम में जब सीजन 5 लॉन्च हो जाएगा तो हो सकता है इस मोड को रीइंस्टेट कर दिया जाए। दोस्तों अगली न्यूज आ रही है यूबीसॉफ्ट की तरफ से। असैसिन्स क्रीड ओडिसी का सब वेट कर रहे हैं, बहुत ही एंटिसिपेटेड गेम है इस साल की। और यहाँ पे एक चीज नई सामने आई है कि लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि असैसिन्स क्रीड ओडिसी पूरी तरह से एंशियंट ग्रीस में बेस्ड है, लेकिन यूबीसॉफ्ट ने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है कि इसमें मल्टीपल टाइमलाइंस होंगी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक ही वक्त की स्टोरी होगी। फॉर एग्जांपल अगर 17th सेंचुरी की स्टोरी होगी तो ऐसा नहीं है, इसमें अलग अलग उससे पहले की भी स्टोरी होगी, उसके बाद की भी स्टोरी होगी और प्लेसेस भी अलग अलग होंगे। सिर्फ ग्रीस नहीं, और भी कंट्रीज आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक ये नहीं बताया कि कौन कौन सी प्लेसेस आपको देखने को मिलेंगी। तो गाइस ये थी आज की गेमिंग न्यूज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे अगर मैंने कोई मेजर न्यूज मिस कर दी हो जो आपको पता है और मुझे नहीं पता, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।